पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं और अभी भी यानी आज 6ठा दिन भी मुलायम सिंह यादव की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जो लगातार हेल्थ बुलेटिन मेदांता अस्पताल की तरफ से जारी किया जा रहा है उसके मुताबिक कि मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित बाकी परिवार के सदस्य भी दिल्ली में ही मौजूद है। जब पहली बार यानी रविवार को मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक खराब हुई थी उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ से सीधे मेदांता अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद रविवार से अब तक अखिलेश यादव सहित बाकी परिवार के सदस्य भी दिल्ली में ही मौजूद है। और आज 12 बजे के बाद बताया जा रहा है कि मेदांता अस्पताल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा जिसमें साफ हो पाएगा कि आज मुलायम सिंह यादव की स्थिति में क्या सुधार है। चूंकि लगातार डॉक्टरों की जो विशेषज्ञ टीम है वो मुलायम सिंह यादव के इलाज में लगी हुई है जिससे जल्द से जल्द स्वस्थ मुलायम सिंह यादव हो सके। इस वक्त हम मेदांता अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इसी मेदांता अस्पताल के अंदर आईसीयू वार्ड में मुलायम सिंह यादव भर्ती हैं और आज लगातार जो है उनका इलाज भी किया जा रहा है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव करीबन 11 बजे के आसपास मेदांता अस्पताल पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही जो बाकी परिवार के सदस्य हैं शिवपाल यादव सहित जो अन्य सदस्य हैं वो भी मेदांता अस्पताल धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है, कई ऐसे समर्थक हैं जो रात में भी मेदांता अस्पताल में ही रुक रहे, लेकिन कुल मिलाकर आज सबकी नजर एक बार फिर से हेल्थ बुलेटिन पर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, गुरुग्राम।